आज की जो पत्रकार परिषद है इसमें सभी पत्रकार भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी मुलाकात दे रहा हूँ ये मेरी वैयक्तिक राय है, अकेले की, ना कौन से पार्टी के है, ना ये हमें किसी से राय मशवरा लिया, किसी नेते से नहीं, हमारे जमात के जिम्मेदारों से नहीं। ये आज की जो मुलाकात मैं दे रहा हूँ मेरी वैयक्तिक राय है। तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है आगे मैं नहीं बोल सकता, नवंबर भी बोल सकता, और वोटिंग का जो है नवंबर दिसंबर में ये कब भी हो सकता। तो इसमें मेरी राय ये है कि मेरी राय ये है, तो अभी आप सब लोग को मालूम है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ, और आदरणीय पवार साहब ने मुझे, जयंत पाटिल साहब ने सोलापुर शहर का राष्ट्रवादी का कार्याध्यक्ष बनाया, ये बात अलग है। तो एक मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता होने के नाते से मैं आज हमारे लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि मेरी राय ऐसी है, विधानसभा इलेक्शन के लिए बहुत से लोग इच्छुक है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के रंधे, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे पार्टी के रंधे, तो तीनों पार्टी की तरफ से हमारे कुछ मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, नगर सेवक, पदाधिकारी, इनके लोकसभा के पास से हमारी बैठक हो रही, राय मशवरा हो रहा। तो सब लोगों की सोच में यह आ रहा था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलना, ताकि हमारे समाज के, कौम के मसले मसल हल होना, हमारे काम होना। तो अभी कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ मांगने की, राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने उनकी तरफ मांगने की, शिवसेना तरफ से मुस्लिम समाज के कौन है मुझे नहीं मालूम। तो अभी मेरी राय ये है कि मेरी राय इसी है कि हमारे कौम के उल्मा, आलिम, हाफिज, कारी, अगर ये हमारे, अगर सोलापुर शहर के मध्य के हो, शहर के, जिले के, जमात के सभी जिम्मेदार की अगर राय होती रहेंगी, तो मेरी सोच ऐसी है कि एक उल्मा, आलिम, कारी, इनको उम्मीदवार बनाना सोलापुर शहर मध्य का। मुस्लिम समाज का यहाँ मतदार संख्या ज़्यादा है, मतदान ज़्यादा है। तो मैं 2014 में एमएम पार्टी से लड़ा हूँ, हाजी फारूक शादी ने भी 2019 में लड़ा है। तो जहाँ भी कौम का मसला है, मुस्लिम उम्मीदवार का मसला है, अल्लाह ताला का ऐसा करम है, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, हर मसलक के लोग एक जगह आते हैं ताकि अपने समाज का, कौम का एक उम्मीदवार, एक नुमाइंदा चुन कर आना और बम्बई की विधानसभा में जाना, हमारे मसले मसल हल करना, ऐसे हम लोग की सोच है। तो अभी मेरी वैयक्तिक राय यह है कि हमारे जमात उलमाइंद रहेंदे, जमात अहले हदीस रहेंदे, सुन्नी जमात रहेंदे, और दूसरे दिगर जो भी जमात है, तो उनमें से मैं नाम पेश करना चाहता हूँ। ये मेरी वैयक्तिक राय, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, किसी आलिम उलमा से मैं राय मशवरा नहीं किया। तो हमारे सोलापुर शहर के जो शहर काजी है मुफ्ती अमजद अली साहब, उनमें से मैं नाम पेश करना चाहता हूँ। ये मेरी वैयक्तिक राय, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, किसी आलिम उलमा से मैं राय मशवरा नहीं किया। तो हमारे सोलापुर शहर के जो शहर काजी है मुफ्ती अमजद अली साहब, जमात उलमाइन के मौलाना जो इब्राहिम कश्मी साहब, मौलाना हरीश साहब, और अहले हदीस जमात के मौलाना ताहिर बेग साहब, और हमारे साहिल नगर के जो मिस्किन भाई है, उनके दो फर्जंद है, वो भी अच्छे उलमा आलिम है, उनका भी नाम, और सोलापुर शहर के जो भी जो आलिम है, उलमा है, अगर हर कोई कार्यकर्ता बोलता कि हमको उम्मीदवारी दो, हमको उम्मीदवारी दो, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आप काम को लगो, हम आपको उम्मीदवारी देंगे, ऐसा मेरे कान तक तो अभी तक बात नहीं, ना ही कांग्रेस पार्टी गई, ना ही राष्ट्रवादी गई। तो मेरा राय यह है, अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मैसेज पूरे सोलापुर शहर में, जिले में जाना आपके चैनल के माध्यम से। तो अगर हमारे समाज के, धर्म के उलमा, आलिम अगर ये तैयार होते रहेंगे, तो बेशक पूरा समाज, पूरा कौम, पूरा शहर, जिला
एक होकर उन्हें जिता कर लाएगा, जिसकी जिंदी मिसाल है मालेगांव के जो आमदार चुनकर है मुफ्ती इस्माइल साहब, बरोबर ना, जो मालेगांव के भी एक आमदार है वो जो मुफ्ती इस्माइल साहब वो भी चुनकर आए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर इलेक्शन को ठहरता रहेगा तो उनकी सोच अलग रहती। मैं उलमा आलिम मौलाना हाफिज कारी का नाम क्यों ले रहा हूँ, वो अल्लाह ताला को डरने वाले लोग है, उनके दिलो दिमाग में खौफे खुदा रहता है। आवाम की, पब्लिक की, जनता की, हर समाज धर्म के लोगों की खिदमत करना, उनके काम में आना, उनके मसले मसले हल करना, और इसमें अहम बात ये भी है उसे जो है तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। नगर सेवक हो ना हो, आमदार हो ना हो, माजी आमदार हो ना हो, सिर्फ उनके दिलो दिमाग में खौफे खुदा होना, आवाम की पब्लिक की खिदमत करने का, सेवा करने का एक जज्बा रहना। और मेरी तो बात ये भी है अगर ऐसा एक सच्चा अच्छा एक आलिम उलमा शहर मध्य से अगर उम्मीदवार बनता रहेगा तो मैं सब में पहले पहल ये करूँगा दूसरे समाज के धर्म के लोग जो हर मंदिर के पुजारी है, पंडित है, या हमारे बौद्ध समाज के लोग है, मराठा समाज के, लिंगा समाज के, मोची समाज के, साड़ी समाज के, हर समाज धर्म के पास हम जाएंगे। अगर हमारे में से कोई एक उम्मीदवार अगर वो इरादा करते रहेंगे तो पूरे शहर के मध्य के सोलापुर शहर जिले के जिम्मेदारों के हम एक मीटिंग लेंगे, राय मशवरा लेंगे और एक टीम बनेंगे, एक समिति बनेंगे। समिति बनाने के बाद शहर मध्य के जितने मतदार भाई बहने हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास हम जाएंगे, हर समाज धर्म लोग के पास जाएंगे कि हमारा एक उलमा आलिम इलेक्शन को खड़ा होने वाला है, आप उन्हें साथ दो। और आलिम जो है जातिवाद करने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह को डरने वाले लोग हैं, और दिगर आपके मंदिर के मसले हैं, बुद्धिवार के मसले हैं, सोलापुर शहर के विकास का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है। क्योंकि आपको मालूम है पूरे सोलापुर शहर में, जिले में, महाराष्ट्र राज्य में जातिवाद का माहौल जो फैला है, हिंदू मुस्लिम भाइयों में तेढ़ निर्माण करने का काम ये दूसरी पार्टियां कर रहे हैं। मैं वो पार्टी का नाम भी नहीं लूँगा, कुछ संस्था का संगठन का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि शहर के हमारे सभी नागरिक है, बुजुर्ग लोग है या जिम्मेदार लोग है, सबको मालूम है कौन जातिवाद करता है, कौन नहीं करता, और कौन हिंदू मुस्लिम भाई में जो भाईचारा है, एकता है, उसे तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट हासिल करने के लिए, और हिंदू मुस्लिम भाई में तेढ़ निर्माण करने के लिए, वोट डिवाइड करने के लिए, जातिवाद का जो जहर है उनके दिलों दिमाग में डालकर हमारे जो सर्वत्र संपर्क का जो प्रतीक है, सोलापुर शहर हो, जिला हो, महाराष्ट्र चाहे भारत देश दे, इनको तोड़ने का जो काम आज के राजकीय पार्टियां कर रहे हैं ऐसा नहीं होना बोलकर मेरी ये पहल है। अगर हमारे में से कोई भी जिम्मेदार उलमा आलिम में जो अभी जो 5-6 नाम लिया, अगर उनमें से अगर कोई अगर इस इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहते रहेंगे तो बेशक वो हमको बोले या हम उनके पास जाएंगे, पूरे शहर के जिम्मेदार लोग के बराए मशवरा लेंगे। और दूसरी बात, कौन सी पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है अगर उम्मीदवारी देने का रहता था, अगर मुस्लिम समाज को न्याय देने का काम अगर वो करते थे, हमको आदेश मिलता था, काम को लगने का आदेश मिलता था। क्योंकि लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र नहीं, सोलापुर नहीं, पूरे भारत देश में मुस्लिम समाज एक होकर सेक्युलर पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को साथ दिया, और इस आज जो इंडिया गठबंधन की जो खासदारों की जो तादाद बढ़ी है, मैं एकदम ठाम विश्वास से बोलना चाहता हूँ मुस्लिम समाज की जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत हमारे पूरे उलमा आलिम दिन रात एक कर कर हर एरिया में जाकर मीटिंग लिए, राय मशवरा ये करे, फतवे निकाले कि हमको महाविकास आघाड़ी को लाना है, भाजपा पार्टी को हराना है, जातिवाद शक्ति को हराना है, ये सोचकर हमारे पूरे उलमा आलिम जमात के जिम्मेदार लोग, जिसमें तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात है, जमात उलमा हिंद है, और दूसरे हमारे जुबो से मसलक के लोग है, उन्होंने दिन रात एक कर कर खुद के पैसे, जेब के पैसे डालकर रिक्शा लगाए, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पोलिंग एजेंट का जो काम है, जो उनके तक जाने का काम, और सुबह सुबह मतदान भाग निकालने का जो काम है, ये पूरी हमारी जमात, हमारी पूरी टीम ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है अगर ऐसा हमारा, अगर हमको, हम इतना मेहनत कर रहे, ईमानदारी करने के बाद भी
हमारे ऊपर नजरअंदाज करते रहेंगे, हमको डावलते रहेंगे, तो हमारे पास भी पर्याय है। तो हमारे, मैं नहीं बोलूंगा मैं ठहरूंगा, कोई नगर सेवक ठहरे थे वो हम पहले बोले थे कि हमारे में से एक उम्मीदवार रहेगा, लेकिन अभी मसले मसले ऐसा आ रहे, अगर नगर सेवक कार्यकर्ता चुनना तो किसको चुनना। तो अभी मेरी वैयक्तिक राय ऐसी है, हमारे शहर के उलमा आलिम जिम्मेदार में से एक उम्मीदवार बनना, सुन्नी जमात है, जमात उलमा हिंद है, और दूसरे हमारे जो बहुत से मसलक के लोग है, उन्होंने दिन रात एक कर कर खुद के पैसे, जेब के पैसे डालकर रिक्शा लगाए, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पोलिंग एजेंट का जो काम है, जो उनके तक जाने का काम, और सुबह सुबह मतदान भाग निकालने का जो काम है, ये पूरी हमारी जमात, हमारी पूरी टीम ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर ऐसा हमारा, अगर हमको, हम इतना मेहनत कर रहे, ईमानदारी करने के बाद भी हमारे ऊपर नज़रअंदाज करते रहेंगे, हमको डावलते रहेंगे, तो हमारे पास भी पर्याय है। तो हमारे, मैं नहीं बोलूँगा मैं ठहरूँगा, कोई नगर सेवक ठहरे थे वो हम पहले बोले थे कि हमारे में से एक उम्मीदवार रहेगा, लेकिन अभी मसले मसले ऐसा आ रहे, अगर नगर सेवक कार्यकर्ता चुनना तो किसको चुनना। तो अभी मेरी वैयक्तिक राय ऐसी है, हमारे शहर के उलमा आलिम जिम्मेदार में से एक उम्मीदवार बनना, और पूरा कौम, दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी इंशाल्लाह उन्हें साथ देंगे, जिता कर लाएंगे। क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ, जो उलमा आलिम के पास किसी पार्टी का दबाव नहीं रहता, वैयक्तिक अकेले वो ठहर सकते, खड़े हो सकते। और हमारे उलमा आलिम की पार्टी कौन सी आप लोग को मालूम है क्या? अल्लाह ताला की पार्टी है, और हमारे उलमा आलिम सिवा अल्लाह ताला को किसी को डरते नहीं है, किसी पार्टी पक्ष को नहीं, वो खिदमत खल करना जानते हैं, अच्छा काम करना जानते हैं, और अहम बात ये भी है, वो आखिरत का सोच। और अगर हमारे उलमा आलिम ये अगर राय मशवरे से, मेरे राय से, मेरे व्यक्ति जो विचार से अगर कुछ सहमत नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह हम सोचेंगे, राय मशवरा ये करेंगे, अगर राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं देती रहेंगी, तो मैं अपक्ष उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये आखिरी बात है, अगर हमारे में से उलमा आलिम, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर खड़ा नहीं होते रहेंगे, तो वो भी मैं मेरे खुद दिल से नहीं भूलूंगा, सब शहर मध्य के, जिले के लोगों की राय मशवरा करके, चर्चा कर कर, अगर सबकी सम्मति रही, सबका अगर रिस्पॉन्स रहा, तो इंशाल्लाह मैं भी तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहला प्रेफरेंस हमारे, मैं पहले बोला था कि हमारे शहर के मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को देना, लेकिन वैसा अभी कोई जो माहौल नहीं दिख रहा, हालत नहीं दिख रहे, लेकिन हमारे उलमा आलिम को इंशाल्लाह हम लोग संधि देंगे, एक मौका देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है वो अल्लाह को डर कर जातिवाद ना करते हुए सब समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे उलमा आलिम अच्छे लोग है, और उन्हें उनके जो दिमाग में खौफ खुदा है, अच्छा काम करने वाले लोग है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, उनके मुकदमे रहा, बेशक वो आमदार बनेंगे, आमदार बनकर बम्बई की विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे, और पूरे शहर में, शहर मध्य में, सोलापुर शहर में आमनो अमान, सुकून, शांति, एक ही इत्यादि इत्तेफाक रहेगा इंशाल्लाह, ऐसा मैं समझता हूँ। तो पहला मेरा जो मेरी व्यक्तिगत राय बोला मैं आपको, पहला उनको इंशाल्लाह हम चांस देंगे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होता है, और खिदमत खल करने का काम होता है, जज्बा होता है, और लोकसभा के अंदर हमारे पूरे उलमा आलिम तन मन धन से, दिल के गहराई से, ईमानदारी से, वो लोकसभा में यहाँ के खासदार चुन कर लाए, महाराष्ट्र के लोग को चुन कर लाए, यूपी बिहार के हर उम्मीदवार को, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना ठाकरे साहब की पार्टी है, समाजवादी है, आप पार्टी रहेंगी, ऐसे जो भी खासदार चुन कर आए, उसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं समझता हूँ। तेज की निर्णय आमच्या समाजामध्ये पण मी माझा प्रश्न बोलत ते आमच्या पेंडिंग पडल्या ना अजून, म्हणजे या पक्षाचा अद्यापर्यंत आली नाही, नाही मी काय म्हणतो माहित आहे का, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे काही नगरसेवक पदाधिकारी आमची मीटिंग झाली होती, की मुस्लिम समाजाचे उमेदवाराला महाविकास आघाडीतून उमेदवारी मिळाली तर कोण उभारायचे नाही, फक्त एक उमेदवार असला पाहिजे, ते पण मुस्लिम समाजाचा, तर ते वातावरण एकदम थंड आहे, शांत झालेलं आहे, त्यासाठी जे माझी वैयक्तिक राय अशी होती, म्हणजे पर्सनली माझी, की हमारे एक उलमा आलिम को अगर हम एक मौका देंगे, वो अगर ठहरते रहेंगे, तो उनके खिलाफ कोई नहीं जाने वाला, पूरा समाज, पूरी कौम,
और दूसरे समाज के लोग भी इंशाल्लाह उन्हें साथ देंगे, ऐसी मेरी राय है। 2014 में जब हमारे समाज के कौन कुछ मसले मसाइल थे, जिस तरह हेडक्वार्टर मस्जिद का मसला था, मैं नाराज हुआ था, हमारे समाज हमारा कौम नाराज हुआ था, मैं आपस इलेक्शन लड़ाने के सोच में था और इलेक्शन आपस मैं लड़ाने के रास्ते में मीटिंग ले आया था, फिर बाद में AMM पार्टी का मुझे ऑफर है, मैं भी उनसे संपर्क में आया उनके, जब मुझे ये मिली टिकट मिली पार्टी की, तो जब ऐसा कुछ मसले नहीं थे, तो अभी मैं 2-4 दिन से सोच रहा था कि अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज को नगर सेवक को कार्यकर्ता को पदाधिकार को उम्मीदवारी नहीं देंगे, तो एक उलमा आलिम अगर एक ऐसा एक साफ सुथरे इंसान रहते जो चुन जो अगर समझो जो ठहरे, तो पूरी समाज पूरा कौम और दूसरे समाज के पास भी हम जा सकते हैं कि इन्हें भी एक चांस दो, क्योंकि मालिकों में जिंदा मिसाल है। और कुछ जो हमारे यहाँ के जो खासदार सिद्धेश्वर महाराज, हाँ वो भी एक महाराज थे जिस तरह लिंगायत समाज के लोग उन्हें चुन कर लाए, तो वैसे हमारे विषय में अगर एक उलमा आलिम अगर यहाँ आमदार के ठहरता रहेगा, तो हमारी पूरी कौम समाज एक जगह आएंगे और उन्हें इंशाल्लाह जिता कर लेंगे। आपस के बारे में सोचूंगा बाद में। अगर कोई उलमा आलिम हमारे नहीं ठहरे या कांग्रेस राष्ट्रवादी से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी, तो सबके राय मशवरा लेकर हम ठहरेंगे और अपक्ष को जो है हर समाज धर्म के वोट गिरेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर अपक्ष रहे तो वो भी लास्ट स्टेप को, मैं एकदम झट के बट अपक्ष की मैं तैयारी नहीं कर रहा। अच्छा। पहला कांग्रेस राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज को अगर उम्मीदवारी नहीं दी, या हमारे ऐसी मिल रहा है, अभी 2 दिन से मैं सोच रहा था कि हमारे अच्छे उलमा आलिम को अगर लाना, तो जिस तरह मालिकों के लोग चुन कर ले, वैसे यहाँ के भी लोग हमारे उनके लाएंगे अगर इंशाल्लाह अच्छे है। अगर कौन पहलवान मुस्लिम कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी का हो, बराबर, तो फारूक शादी हो, तौफीक पहलवान हो, कौमी एकता मंच हो, या सोलापुर के जो भी संगठन सामने आ रहे हैं, फारूक शादी को मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? अरे मानते हो, कैसे नहीं मानते, मुस्लिम लेकिन लेकिन उनकी उनकी पार्टी अलग है, AMM पार्टी है। हमारी जब कांग्रेस कमेटी में मैं गया, यहाँ हमारे मैदान में मीटिंग हुई, शौकत पठान की वहाँ मीटिंग हुई, तो कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना के पदाधिकारी नगर शोक ने यह बोला कि कांग्रेस पार्टी को हम 60-70 साल से साथ देते आए, जीता कर लाए, इसका बेनिफिट हमको क्या मिला? सिर्फ नगर सेवक, ग्राम पंचायत के सदस्य, ज्यादा से ज्यादा महापौर, स्टैंडिंग चेयरमैन, इसके अलावा मुस्लिम समाज को बड़ा पद नहीं मिला। ये खुला बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, 16 शहर की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आपके बड़े भाई को जो है महापौर बनाया, हाँ महापौर पद मिला, मैं बोल रहा आप लोगों को, दूसरी मरतबा जब टिकट नहीं मिली, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको क्या बोल रहा, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, दूसरी पार्टी रहती है, कार्यकर्ता लोग को नगर सेवक बनाए, सिर्फ महापौर पद और स्टैंडिंग चेयरमैन पद, जिस तरह रियाज बाबू को मिला, बाबा मिस्त्री को मिला, हमारे इमरान कुरैशी को मिला, तो मरूम रफीक बहतरू को मिला, तो स्टैंडिंग चेयरमैन और महापौर पद के अलावा आमदार नहीं मिला, और वो भी MLC हमारे इंदु अभिषेक मरूम हमारे, तो उनको पार्टी तरफ से MLC मिली हुई इंदु अभिषेक को। तो बोलने मतलब मेरा यह है, लोग भी जागरूक होना, होशियार होना, कि हम कब तक दूसरे पार्टी के काम करते रहेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, अपने हक के लिए हम कब लड़ेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे। तो मेरी राय ये है, मैं किसी को भड़का रहने गलत पे में नहीं कर रहा, सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, और ये मेरी मांग है। और अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं देंगी, तो हमारे उलमा आलिम अगर कोई अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति अगर सामने आते रहेंगे, इंशाल्लाह हम उन्हें भी जीता कर लेंगे, चुन कर लेंगे, क्योंकि उनमें वो काबिलियत होती है, खौफे खुदा होता है, अच्छा काम करने का एक जज्बा होता है, और उलमा आलिम आखिरत का सोच कर काम करते हैं, ऐसी मेरी राय है।